Assalamualaikum everyone, welcome back to my another video. Happy Independence Day and Happy Janmashtami. और इस मौके पर मैं आपके लिए लिख रही हूँ लौकी की बर्फी। तो लौकी की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg लौकी ली है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर और इसको मैंने छील लिया है। और मैंने यहाँ पर पतली लौकी का इस्तेमाल किया है और यहाँ हम इसके बीज भी निकाल लेंगे, तब हम इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ लौकी को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और यहाँ मैंने इसका पानी भी अच्छे से निकाल दिया है। अब ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है। आप चाहें तो इसका हलवा ऐसे डायरेक्ट भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने इसे यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सी में पीस लेना है। यहाँ पर मैंने लौकी को अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ मैंने लौकी की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर रखी है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला है डालडा घी। आप यकीन मानिए इससे हमारी बर्फी दानेदार बनेगी। डालडा घी डालने के बाद कुछ इलायची के दाने इसमें डाल देंगे, हमारी लौकी जो हमने इसको पीस लिया था। तो इसे कर लेंगे हम ऐसे मिक्स, लगातार हमें 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेना है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और लगातार हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब तभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप चीनी। जब आप चीनी डालेंगे तो ये थोड़ा सा पानी इसमें नज़र आने लगेगा, लेकिन आप घबराइए नहीं, हमें इसे का पानी भी हमें सुखा लेना है। हम यहाँ डालेंगे ग्रीन फूड कलर। 1 मिनट तक मैंने इसे पका लिया, तभी हम इसमें 2 टेबलस्पून डाल देंगे मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे हम अच्छे से ऐसे चला लेंगे। हमें इसे अब लो फ्लेम पर बना लेना है। अब इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, हम इसे ऐसे चलाते रहना है ताकि नीचे से जले नहीं। टीस्पून में डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मलाई डालने के बाद हम इसे अच्छे से ऐसे चला लेंगे। फ्रेश मलाई का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकती हैं। लगभग इसे चलाते में इस बात का ध्यान रखना है कि ये जले नहीं, और ये जो है कढ़ाई छोड़ दें, तब तक हमें इसको भूनते रहना है। हमने ये यहाँ खाली थाली लिए, अब हम इसे ऐसे हाथ से ब्रश से कर लेंगे ग्रीन। हम सारा पेस्ट इसमें पलट लेंगे। पेस्ट भी हमारे यहाँ ठंडा हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसे चारों तरफ से ऐसे फैला लेंगे, इसे ऐसे टैप कर लेंगे। हम यहाँ इसे थोड़ा सा नारियल से ऐसे कर लेंगे गार्निश। हम सिल्वर पेपर से भी गार्निश कर देंगे। यहाँ पर हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम अपने शेप के अकॉर्डिंग इसे काट सकते हैं। आप चाहें तो ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं। और मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। आई होप अगर आपको मेरी रेसिपी या मेरा तरीका बनाने का पसंद आया हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।